नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार एक बार फिर से आपके साथ। दोस्तों, आज बात करेंगे आईटीआई फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल, यानी आज कल आपका जो प्रैक्टिकल 1 अगस्त को, उन सभी बच्चों का ये पेपर आ गया है। और मैं भी आपको क्लियर करूंगा कि किस प्रकार आपके कौन से क्वेश्चन आएंगे, यानी मैं आज आपको भी 2 क्वेश्चन बताने वाला हूं और दोनों यही क्वेश्चन। अब की बार आपके 3 क्वेश्चन आएंगे प्रैक्टिकल में, तो 2 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे और मैं आपको बताऊँगा किस प्रकार आपको हल करना है। तो यही पेपर आएगा, सभी लोग जल्दी से देखें और अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। साथ दोस्तों को चैनल को पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब जरूर करना, तब बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे आपके अगली क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और दोस्तों, जैसे ही कल एग्जाम होगा आपका प्रैक्टिकल का, तो वैसे ही प्रैक्टिकल होते ही मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पर पेपर अवेलेबल करा दूंगा, यानी आपको 10 बजे पेपर में डाल दूंगा। जैसे आप नेक्स्ट डे यानी 3 तारीख को जब आपका प्रैक्टिकल होगा या 2 तारीख को जब होगा, तो आप वहाँ से देखकर अच्छे से आप क्लियर कर सकोगे। क्योंकि आपको पता है 1 तारीख को जो प्रैक्टिकल है वही 2 तारीख को आएगा, जो 3 को आएगा वही 4 तारीख को आएगा, यानी पेपर सेम वही रहेगा। तो सभी बच्चों के लिए काफ़ी किफ़ायती भी साबित होगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये पेपर चाहिए तो भी डिस्क्रिप्शन जाइए, वहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो जहाँ पर लिंक दिया है। साथ ही अगर चैनल को पहली बार विजिट करते हो, सब्सक्राइब जरूर करना, तब बेल आइकन को प्रेस करना, जैसे आपको आगे भी पेपर मिलते रहेंगे CBT एग्जाम के भी। तो स्टार्ट कर दे ज़्यादा वक्त खराब न करके। और दोस्तों, आपका देखो अब रॉ मेटेरियल लिस्ट के आधार पर बता रहा हूँ कि यहाँ पर आपके ट्रांसफॉर्मर से संबंधित जो आया था रॉ मेटेरियल लिस्ट, यानी सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, तो यहाँ पर आपको यही पूछेगा कि एक फेज ट्रांसफॉर्मर के टर्मिनलों की पहचान करना व परिमाण अनुपात ज्ञात करना। तो पहले आपको शीर्षक लिखना है, फिर उद्देश्य, उद्देश्य में लिखना है परिणामित्र में HT व LT यानी हाई टेंशन लाइन व लो टेंशन लाइन की पहचान करना, फिर वर्तानुपात ज्ञात करना, फिर आवश्यक औजार व उपकरण, यानी तीसरा पॉइंट आपको लिखना आवश्यक औजार व उपकरण। तो इसमें कॉम्बिनेशन प्लायर आ जाएगा, पेचकस आ जाएगा, 100 mm का मल्टीमीटर आ जाएगा, वोल्टमीटर आ जाएगा, एक फेज ट्रांसफार्मर आ जाएगा, ऑटो ट्रांसफार्मर इनपुट आ जाएगा। तो इनके सभी के एक एक नग चाहिए। फिर आवश्यक सामग्री में आपको क्या लिखना है, तो आवश्यक सामग्री में आपको लिखना है लैंप 200 वाट का 230 वोल्ट सप्लाई है, होल्डर 6 एम्पीयर बायो नेट केप आ जाएगा, सुयोजन केबल 1 mm आ जाएगा। विधि है, तो विधि में आपको इस प्रकार ये विधि लिखना है, जिसमें लिखना है कि ट्रांसफार्मर को ओममीटर के द्वारा परीक्षण करके दिखाया गया। इस विधि में मल्टीमीटर को ओम रेंज में सिलेक्ट किया जाता है और दोनों कुंडलियों का प्रतिरोध मापा जाता है, और जिस कुंडली में प्रतिरोध अधिक होता हुआ है HT कुंडली कहलाती है, और जिस कुंडली में प्रतिरोध कम होता हुआ है LT लाइन कहलाती है। तो यहाँ पर इनका प्रतिरोध आप ज्ञात करके फिर कर लेना, अच्छे से कोई दिक्कत नहीं है। फिर हाई टेंशन कुंडल के सिरों को A1 A2 तथा LT कुंडल के सिरों को B1 B2 लिखा जाता है, और फिर वो आपके डायग्राम के हिसाब से इसमें तो बताना है कि आपके चित्र बी व सी में एक श्रेणी लैंप द्वारा HT। दोस्तों, अगर आप इस प्रकार करके आओगे तो मैं 101% गारंटी लेता हूँ कि आपको काफ़ी अच्छे नंबर मिलेंगे प्रैक्टिकल में और किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। शायद दोस्तों, ये आपका चित्र है, यानी आपको इस प्रकार चित्र करना है, यह आपकी LT लाइन आ गई, ये HT लाइन आ गई। यहाँ पर हम HT लाइन का प्रतिरोध ज्ञात कर रहे हैं, इधर ये LT लाइन का, यानी LT लाइन में क्या होगा निम्न प्रतिरोध, HT लाइन में क्या होगा हाई प्रतिरोध। तो एक तो डायग्राम ये बनेगा। दूसरा दोस्तों, आपका ये डायग्राम है जो नीचे दर्शा रहा है आपका B का, तो ये डायग्राम है दोस्तों, ये LT लाइन है, ये HT लाइन। अब LT लाइन सप्लाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें ये लैंप लगा रहे हैं, ठीक है, तो इसमें लैंप के द्वारा भी इसकी क्या प्रतिरोध ज्ञात किया जाता है। फिर आपका तीसरा, तो इसमें इधर क्या कर रहा है, इधर LT लाइन में लैंप लगा के ये ज्ञात कर रहा है। तो ये आपको 3 चित्र बनाने हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका, अगर ट्रांसफॉर्मर कैसा भी क्वेश्चन आए तो आपको ये चित्र तो बना के आने हैं, भले किसी प्रकार क्या भी हो, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आपका दे रखा था कि 3.5 कोर की केबल, यानी वहाँ पर आपको 3.5 कोर की PVC केबल पूछ रहा है, तो यहाँ पर अगला ये लिख रखा कि 7/22 यानी 7 वायर है बाहर, तो वहाँ पर आपको 3 सही 1/2 PVC इंसुलेटेड ताम्र केबल के टी जोड़ बनाना, तो वहाँ पर टी बैंड कैसा भी जोड़ आपको पूछ सकता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि आपको इस प्रकार पहले शीर्षक लिखना है, फिर उद्देश्य, फिर आवश्यक औजार, और शीर्षक में आपको जो पूछे कि आपको जो जोड़ पूछे तो उस जोड़ का नाम लिख देना। फिर आवश्यक औजार में ये चीज़ें आपको हर कोई सा भी प्रैक्टिकल हो उसमें ये लिखना है, कॉम्बिनेशन प्लायर 200 mm 1 नग, साइड कटिंग प्लायर 150 mm 1 नग, इलेक्ट्रिशियन चाकू 100 mm 1 नग, और स्टील रूल 300 mm 1 नग। फिर आवश्यक सामग्री में PVC इंसुलेटेड केबल में यह आ जाएगा कितनी लंबी है, फिर एक मार्ग का 00 ग्रेड 2 छोटे टुकड़े आ जाएंगे। फिर विधि में लिखना है PVC इंसुलेटेड ताम्र केबल के 2 टुकड़े प्रत्येक 30 सेमी प्राप्त है, 1 टुकड़े को मुख्य सीधा चालक मान ले, इसके मध्य भाग में से दोनों तरफ 50-50 mm का इंसुलेटर उतार दे, और जैसे कि चित्र में A व B में दिखाया गया है।
दूसरे टुकड़े को केबल का टेप केबल मान ले और इसके एक सिरे की ओर से 150 mm का इंसुलेशन उतार दे। अब ऊर्ध्वाधर सिरे था टेप केबल में इंसुलेटेड हट्टे और चालकों को खोल दे, इन्हें रेगमार की सहायता से साफ कर दे। तो इस प्रकार आपको ये भी करना है और सावधानी में ये लिखना है कि इंसुलेशन छीनते समय चालक को नहीं काटे, चालक को इस प्रकार लपेट कर चाहिए जो कि करना। तो दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अभी मैं आपको सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल बता दूंगा। ये यहाँ पर इंसुलेशन उतार कर ये डायग्राम है, तो देखो दोस्तों यहाँ पर ये इंसुलेशन उतार रखा है, देखो इसका इसका, फिर इधर देखो इसके भी सिरे से इंसुलेशन उतार रखा है और इसके सिरे निकाल रखे हैं, फिर लास्ट में इस प्रकार ये टी जोड़ बन के तैयार हो जाता है। तो ये डायग्राम भी इस प्रकार आपको बताए जाएंगे, तो आप यहाँ तक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब मैं सेकेंड ईयर का प्रैक्टिकल भी करा दूंगा आज दोपहर तक। तो धन्यवाद दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही।